सो पिछले 3 दिनों में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरी कम्युनिटी में पूछा गया दैट इज के दीवानगी 2 कब लॉन्च होगा, क्या होगी इसकी डेट। तो भैया सूत्रों के अनुसार आज जो मुझे पता चला है कि एग्जैक्टली कब लॉन्च होगा ये ड्रामा, किस दिन आएगी इसकी पहली एपिसोड, आज इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। साथ में ये भी कि टीजर 3 लॉन्च हो चुका है, क्या देखा उसके अंदर इंटरेस्टिंग और कैसा है भैया ये ड्रामा मेरे अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन से हमें क्या इसकी लुक एंड फील देखने को मिलती है, आज फर्दर डिस्कस करेंगे इस बारे में। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जिस वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो भैया पीके लग्जिस की एनिवर्सरी सेल कल खत्म हो जाएगी, फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग भी आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन सेल खत्म हो जाएगी अभी 50-60% चलने लग रहा है ऑफ बहुत सारी चीजों पर। अगर आप लोगों ने अभी तक वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी जाएं अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यार आई मस्ट अप्रिशिएट द मेकर्स ऑफ दिस ड्रामा, द ओपनिंग वॉज एक्सट्रीमली स्टनिंग, इट लुक्स लाइक के जैसे कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज स्टार्ट होने लगी है। जो सिनेमेटोग्राफी थी वो नेक्स्ट लेवल था। यहां पर टीजर 3 का जो स्टार्ट था उसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया और आई पर्सनली बिलीव कि अब ये क्वालिटी है जो हमें चाहिए हमारे ड्रामास के अंदर, क्योंकि भैया स्टोरी तो डेफिनेटली हम बहुत ज्यादा न्यू इंट्रोड्यूस शायद ना करवा सके, राइटर्स कहीं गायब हो गए, एटलीस्ट विजुअल्स तो इंटरेस्टिंग हो, तो वो चीज देखने को मिलती है हमें टीजर 3 के स्टार्ट में, जहां पर नौशेरवा का एक दफा फिर से दिखाया जाता है स्वैग के भाई वो जो चाहता था अब तक वो करता आया था, अपने माँ बाप का बहुत ही लाडला एक ऐसा इंसान जिसको दौलत की कमी नहीं, लेकिन जब उसने देखा पहली दफा इस हसीन और जमील हिबा बुखारी के कैरेक्टर को जिसका नाम है दुआ, तो बेचारा फ्लैट हो जाता है। अरे हंसने वाला इमोजी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि भैया उन्होंने पोर्ट्रे कुछ ऐसे किया और यहां पर जहां इसकी लुक बस एवरेज लग रही थी वो सीन उन्होंने डाल दिया, जबकि बहुत सारे दूसरे सीन्स में जो हिबा है शी इज लुकिंग स्टनिंग, बट फॉर द ओपनिंग और जो डायलॉग पीछे चलने लग रहा था वहां पर ये सीन चलाना ठीक है, शी वॉज लुकिंग एवरेज, बट कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था जहां पर उसके लुक्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे। एक बात तो मानने वाली है कि दीवानगी जो इसको हुई थी ना दीवानगी 1 के अंदर, यहां पर हिबा के करेक्टर से वही सीन चलने लग रहा है इस ड्रामे के अंदर, फुल टाइम पागल हो जाएगा इसको देखकर। और हर पागल इंसान जो हो काफी पावरफुल, यानी कि पैसा जिसके पास ठीक ठाक हो और फिर वो मेंटली तौर पर पागल हो जाए किसी के पीछे, तो फिर जो वो हरकतें करता है ना वो बहुत एपिक होती हैं। वो ही कुछ होगा इस ड्रामे के अंदर, मैडली लव करेगा इससे और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि शायद इसके साथ शादी करने में भी कामयाब हो जाए। अच्छा टीजर 3 के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है जहां पर हमारी दुआ कहती है कि मैं एक धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती। टीजर 2 के अंदर इन लोगों ने हमें ये पर्सपेक्टिव दिखाया कि हाँ शायद वो कोई बार डांसर थी और जो चीज़ एक्सपोज होगी आगे जाकर नौशेरवा के सामने तो डेफिनेटली उसका बिहेवियर चेंज होगा, बट टीजर 3 के अंदर वो बड़े चलाक हैं हमें फिर से कंफ्यूज कर गए कि भैया नहीं, यहाँ पर हमारी दुआ भी नहीं रहना चाहती नौशेरवा के साथ क्योंकि वो एक धोखेबाज है, तो धोखा क्या दे सकता होगा, यहां पर क्या दिया होगा इसने इसको, किस वजह से इतना बड़ा इल्जाम लगा दिए कि वो धोखेबाज है, ये चीज फिगर आउट करेगा ड्रामा। और मैं आपको बहुत अच्छे से क्रैक करके बता दूंगा 1-2 एपिसोड के रिव्यूज के बाद कि भैया किस वजह से इसको धोखेबाज करार दे रही है। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग डाला गया है हमारे नौशेरवा की तरफ से भी कि जिंदगी आपको समटाइम एक ऐसे मुकाम पर ले आती है कि आपके आगे कुआं होता है और पीछे खाई, दैट मीन्स कि वो बेचारा खुद भी बड़ा कंफ्यूज है, अगर वो बैक ऑफ करता है तो खाई में गिर जाता है और आगे बढ़ता है तो कुएं में गिर जाता है। उसकी वजह ये है कि भैया ना तो वो दुआ को छोड़ सकता है और उसके साथ रहे तो भी उसको इश्यूज, क्योंकि वो एक बार डांसर है या उसके कैरेक्टर के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगे हुए हैं जो शायद इतने ज़्यादा मैडली लव बंदे से बर्दाश्त नहीं हो रहे, वो कैसे उनको टैकल करे, कैसे सिचुएशन को अच्छे से मैनेज करे, ये वो चीज़ है जो हमारे नौशेरवा कैरेक्टर के ऊपर आई हुई है। और एक और चीज़ जो हमें टीजर 3 के अंदर देखने को मिलती है वो ये कि इस बंदे के बहुत सारे दुश्मन हैं। आपने देखा कि 1 में भी 2 में भी ये चीज़ बार बार दिखाई गई है कि बहुत सारी फाइट्स होने लग रही हैं,
और इसके साथ 5-6 इसके बंदे भी हैं, जिसमें ये जो भाई साहब है ना, जरा गौर से देखें, ये तो खैर नौशेरवां से भी ज़्यादा गुस्से में लगते हैं। हाँ, बाकी के जो गार्ड हैं दे लुक्स कूल के, अच्छा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट ओवरऑल एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, जहाँ पर आपने इसका सारा टैका बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन किया, हमें दानिश का वो जो हेयर स्टाइल होता था ना, वो जो बड़ा आगे से पाउल स्टाइल में ऊपर करके बाल होते थे, वो हमें अब देखने को वैसे नहीं मिलते। या तो शायद हमारे दानिश भैया के बाल अब उतने ज़्यादा मजबूत नहीं रहे कि वो इतने अच्छे से उनको ऊपर करके खींच सकें, क्योंकि वो जो पाउल स्टाइल बाल थे ना इनके, वो बहुत सारे ड्रामास के अंदर में देखने को मिलते थे, जहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी थिक बियर्ड रखी थी, पाउल स्टाइल हेयर्स, और फिर बहुत सारे अच्छे ग्लासेस लगाकर जब ये बंदा 3-piece के अंदर आता था तो इसकी जो लुक्स थी वो बहुत ही सुपर्ब लगती थी। समहाउ थोड़ी सी कंप्रोमाइज्ड हैं यहाँ पर, या डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपका स्वैग नहीं रहता, बट ओवरऑल फिजिकली बहुत अच्छे से अपने आप को दानिश ने मेंटेन रखा हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये ड्रामा लॉन्च कब होगा। तो भैया लॉन्च मेरे ख्याल से ये होगा एक बड़े ड्रामे की जगह, और बड़ा ड्रामा कौन सा भी खत्म हुआ, खई वेनेसडे और थर्सडे को लगता था, और अब इस वेनेसडे थर्सडे को लगने से रहा अगले वेनेसडे थर्सडे, यानी कि 1 मई को इसकी पहली एपिसोड सूत्रों के अनुसार एक्सपेक्टेड है। बहुत सारी मुझे रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि यह ड्रामा 1 मई को पहली एपिसोड इसकी लॉन्च हो जाएगी, और हो भी जानी चाहिए, क्योंकि अभी कोई ड्रामा है ही नहीं हमारे हरपल जियो के पास इस तरह का कि हम कह सकें कि हाँ भैया बहुत ही कमाल का, बहुत ही सुपर्ब है। एक दो ड्रामे हैं मेन जिनको बार बार रिपीटेडली दिखा रहे हैं, सो उनको भी ये चाहिए कि जल्द से जल्द लॉन्च करें। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि भैया एक एपिसोड आएगी या 2 episodes इसकी लॉन्च होंगी, तो ज़्यादा चांसेस 2 episodes के ही हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि इनके पास ऐसे कोई ड्रामे नहीं हैं, तो टाइम स्लॉट्स ज़्यादा हैं, ड्रामे नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपको 2 episodes दिखाई जाएं खई की तरह, यानी कि वेनेसडे और थर्सडे को 8 PM के ऊपर ये ड्रामा लग सकता है। लेकिन फिर भी किसी भी टाइम भैया कोई भी चेंजिंग हो सकती है, दैट इज़ माई प्रेडिक्शन अबाउट द लॉन्च डेट। और बहुत सारी कन्फर्म न्यूज़ थी जिसके चलते मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई पेट खबर हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे लोग एक्साइटेड हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू नो कि कब दीवानगी 2 लॉन्च होगा। लास्ट में मैं कवर करना चाहूँगा इस अगेन OST को, कि जो OST के आपको दिखाए गए काइंड ऑफ कवाली स्टाइल, वो भैया दीवानगी 2 में भी कवाली स्टाइल था, बट दैट वॉज सुपर्ब। यहाँ पर जो इसका OST है फिलहाल मुझे उतना अपीलिंग नहीं लग रहा। दीवानगी के अंदर वो जो लाइन्स थी ना, मैं यूं खफा तो नहीं मगर गिला है मुझे क्यों बेवफा से कोई वफा करे, ये एक अजीब ही आपको गूज बम्प देती थी। और OST अगर आज भी आप दीवानगी 1 का लगाओगे तो आप उसके अंदर मगन हो जाओगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, ये कवाली की लेयर भी है और दूसरी जो हमारी स्टैंडर्ड क्लासिक है वो भी है, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। अभी तक मैंने 2 के जितने भी लिरिक्स सुने हैं मुझे अपीलिंग नहीं लगे भैया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको अगर लगे तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं जज नहीं कर रहा, फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर अपना फीडबैक दे रहा हूं। मे बी जब ड्रामा चले और पीछे से बार बार ये मैं सुनने को मिले तो पसंद आना शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल नहीं भैया, मजे का नहीं लग रहा। आई एम सीरियसली एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि जहां पर आप इतना बड़ा ड्रामा बनाने जा रहे हो, इतने अच्छे टाइटल को दोबारा से कैश करने जा रहे हो, क्यों नहीं आपने फील किया कि भैया 1 का जो OST था वो बहुत सुपर्ब था, उसकी जो लाइंस थी, उसका जो टैका था वो एक अजीब ही दुनिया में ले जाता था। लेकिन 2 फिलहाल नाइदर सो गुड नॉर सो बैड वाली कंडीशन है, बट लेट्स सी क्या होता है, कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इसका OST और कैसा रहेगा ड्रामा, क्या बहुत ही बोरिंग होगा या फिर इन लोगों ने कुछ नया करने की कोशिश की है। खास तौर पे जो हिबा का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है टीजर्स के अंदर, वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग फिलहाल इस वजह से भी नहीं लग रहा कि उसके अंदर एक काइंड ऑफ एटीट्यूड नजर आ रहा है जो कि एटीट्यूड उसको नहीं सूट करेगा। 1 के अंदर एटीट्यूड था बट वो और तरह का एटीट्यूड था, वो बड़ी गरीब थी वहां पर और उसके कुछ अपने रूल्स थे, बट यहां पर उसको कुछ डिफरेंट अंदाज में दिखाया जा रहा। लेट्स सी, मैं जज नहीं कर रहा, अगेन कहूंगा कि इट्स जस्ट माय इंप्रेशन आफ्टर वाचिंग द 1-3 episodes। मैं एक सही पोजीशन पे होऊंगा आप लोगों को बताने के लिए कि भैया ये ड्रामा कैसा है। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दीवानगी एपिसोड, सॉरी टीजर 3 फीडबैक एंड द ओवरऑल लॉन्च डेट। व्हाट्स योर फीडबैक, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।